उस परमात्मा का सेवा और स्मरण, स्मरण जिभ्या से होता है, ध्यान दिल और दिमाग से होता है, ध्यान में देखा जाता है, ऐसा सिद्धांत है। मैं स्वीकार करता हूं और प्राप्त नहीं होता, यह भी मैं स्वीकार करता हूं। ध्यान में देख सकते हैं, प्राप्ति नहीं हो पाती। अरे ध्यान में आप एक आईएएस के पास चले जाएं, कहते सरकार हमारी इस एप्लीकेशन पर साइन कर दीजिए ताकि हमारा ये रेगुलाइज हो जाए जमीन, हम तो आश्रम वाले हैं, हमारा चेंज ऑफ लैंड कर दीजिए साइन करके। और आईएएस भी बड़ा मस्त ध्यान में कहता है कि लीजिए महाराज आपका हुक्म, शर्माते साइन कर दिए जाइए। हम बड़े खुशी खुशी गए, आगे बताया जी, बोले साइन हो गए हैं। बोलो मूर्ख बाबा, तू बाबा जी मूर्ख हो गया या कोई नशा पत्ता करता है, इस पर तो कोई साइन नहीं है तेरी, केवल वैलिड कुछ नहीं है ये। हम गए जी सरकार, आपने तो साइन नहीं किए। अजी बोलो मैंने कर दिए महाराज, सत्य बोल रहा हूं। बोले कैसे कर दिए? ध्यान में कर दिए। अरे मेरे प्रेमियों, जब मर गई भाई तू ध्यान को छोड़ दे बाबा, हाथ में कागज कलम उठाकर जो तेरा नाम है सुन, एक घुग्गी मार दे, जो भी है तेरा नाम। उसने ली कलम और यूं, पता नहीं दस्तखत भी आज वाला अजीब करते हैं, यूं 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 किया और चल। और हम गए, हमारी जमीन वैलिड हो गई। कहते डोनेशन इसको जो है क्या कहते हैं, एक टोकन मनी पर दे दीजिए। अजी हमारे तो करोड़ों का फायदा हो गया। पर हुआ कब? जब साकार दस्तखत हुए तो हुआ, और मानसिक दस्तखत से हमको मूर्ख बताया गया। इसलिए हमें साकार हम हैं, साकार हमारा परिवार है, साकार संसार है, साकार हमारी सब कुछ खेल साकार है, जितने मकान बिल्डिंग है सब साकार, गाड़ी घोड़े साकार। मेरे प्रेमियों, भगवान क्या बेवकूफ है जो निराकार होगा, वो भी साकार है। अर्थात साकार भगवान की उपासना करने में ही आपको लाभ होगा, आपको प्राप्ति होगी। जब भी भगवान ने भक्तों ने भजन किया है तो साकार बन के ही वरदान दिया है। उन्होंने कहा भक्तों से ब्रह्म ब्रोही वरदान मांगो, क्या निराकार ने कभी आवाज दी है वरदान मांगो? देवता में बता दो, हमें तो कभी मिली नहीं, आप लोगों को मिल गई आवाज तो पता नहीं। हमें तो हमारा भगवान साकार ही बनकर आवाज लगाता है। ये सुदर्शन सोता है जगता है, बोल आधे सो रहे आधे जग रहे, बोल फिर पूरा जग जा। हम पानी से मुंह धोते रात को, बोल बोलिए बाबा क्या बात है, कल ऐसा ऐसा होगा। ये नारायण स्वामी खड़ा है, इससे कह दिया कि एक महीने इतने दिन के अंदर में सरकार आश्रम तोड़ने के नोटिस आएंगे, लिख दे नारायण स्वामी को। बोल नारायण स्वामी कहा, टाइम टेबल इतने महीने इतने दिन पर जो है आश्रम को तोड़ने के नोटिस आएंगे, नारायण स्वामी लिख ले हमारी बात को। ये हंस गया, मैंने कहा बेटे हंसे मत, हम बाबा जी हमारी बात को तुम मान। और वो हुआ, ऐसा ही हुआ। तो हम तो साकार भगवान से बात करते हैं हमेशा, साकार माई से बात करते हैं, सत्य बोल रहे हैं सभा के अंदर में, अहम नहीं कर रहे। जब हमको माई से बात करनी होती है तो कहते हैं माई तेरी फोटो फोटो को नहीं जानते हम तेरे और चीज को नहीं जानते, हम तो जानते तू है कैसी सामने आ। और वो सामने आकर के बात करती है, माई बोले ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा कर ले। अरे माई वो फला फला भक्तों का मेरा क्या कर रहा है, बोले तू कैसे करते, बोले ऐसा करते, बोले हो गया भाई टप्पे की बात होती है। तो मैंने तो साकार से ही प्राप्त किया है, इसलिए मैं साकार ही बोल रहा हूं। आज तक बचपन से मैंने साकार भगवान से ही काम किए, साकार हनुमान जी, साकार देवी, साकार दुर्गाओं से मैंने काम कराए और काम लिए और काम उनकी सेवाएं दी, साकार देवी को सेवा दी। मैं तो इस तरह का हूं, मैंने साकार को, लोग कहते हैं कि साकार ढोंग और प्रपंच है, परंतु मैं गवाह और साक्षी यहां करा सकता हूं कि जब ये दिल्ली कोटला में मैं रहता था 803 में, उस वक्त जब यज्ञ करता था तो माई से कहता कि माई मैं ये दुनिया आग में डालती है, मैं आग में नहीं डालना चाहता, इतने रुपए का माल जो है गोले जायफल लौंग मैं तुझे दे रहा हूं, देसी की 1.25 किलो रोज रोज का दे रहा हूं, मैं आग में नहीं डालना चाहता। विद्वान लोग यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ करते, मैं यज्ञ करना नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं यज्ञ कैसे होता है, उसकी विधि क्या होती है मैं नहीं जानता हूं। मैं तो ये जानता हूं ये नारियल तेरे लिए दे रहा हूं, बोल लेना है तुझको, नहीं ले रहा तो तेरे घर भली, मैं मेरे घर भला, मैं 5 रुपए का खोपा क्यों खराब करूंगा, नहीं करता। और आप यकीन करेंगे उस यज्ञ से माता साकार हाथ बिल्कुल हीरे मोती से जटित और हाथ निकलकर उसमें दिया करता था। राज तो उस जमाने में आती थी तो हाथ खड़ी कर ईमानदार से तुझे गुरु की साक्षी छोड़ कर नहीं बोल रहा हूं मैं,
आप लोग मौजूद थे वहां पर, जो हाथ निकलता था, हाथ खड़ा करेंगे, मैंने देखा है। और उसके हाथ अभूतपूर्व सौंदर्य है, जिनकी झलक आज मेरे सामने आती है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं, आंखों में अश्रुपात होने लगते हैं। तो मैंने तो साकार को माना। कौन कहता है कि साकार मूर्ति में भगवान नहीं होता? किसने कह दिया कि नहीं होता है? जो ऐसा कहता है कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है, वो स्वयं पत्थर है, वो स्वयं अकर्मण्य है, वो स्वयं पापी है, वो स्वयं जो पूर्वजनों का दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसका चित्त सरल नहीं है, उसके दिल में द्वेषता है। वरना तो सरल भाव से भगवान कहते हैं सरल जन मुहि पावा, सरल और शांति में जन मुझे पावा। भगवान करें स्वयं श्रीमुख से कि मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरा आनंद लेते हैं, मुझे देखते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं। तो मेरे प्रेमियों, मैं तो यही कहूंगा कि अपनी जीवन की खराबी न की जाए। उस भगवान का पेपर मैंने आपको लीक आउट कर दिया है, ये लीक आउट सत्य किया है, ये जरूर क्वेश्चन आएंगे, इनकी तैयारी आज से शुरू कर लो, गारंटी से कोई इसको रोक नहीं पाएगा। सरल उपाय बता रहा हूं सत्संग में, कल मैंने कहा कि बहुत सरल उपाय बताऊंगा परमात्मा प्राप्ति के, परंतु मेरे प्रेमी मान लोगे तो, अगर नहीं मानोगे दिखावा करोगे तो मैं ही क्या कर लूं। एक औरत भगवान की परम भक्त, गुरु की परम भक्त, पति की परम भक्त, जिसको देवव्रता पतिव्रता कहते थे, वो अपना धान कूट रही थी और धान कूटते कूटते वो अपना ईश्वर के भजन में या गुरु के ध्यान में मस्त हो रही थी और उखली में चोट मार रही थी। उसका बच्चा एक ही लड़का था, खेलते खेलते आ गया और उसका सर उखली में, उसको ध्यान ही नहीं रहा, वो मूसल अपना आप रुक गया हाथ में से, ऊपर का ऊपर अधर का अधर हाथ छूट गए हाय करके, और मूसल टका रहा। बिल्कुल ऐसा हुआ, वो पड़ोसन देख रही थी, हरी बोलो बहन ये तो तेरे अंदर बहुत बड़ी विद्या है, कहां से सीखी तेने ये विद्या, ये हमको भी सिखा दे। बोलो बहन ये विद्या सीखने की बात नहीं है, ये तो करने की बात है। मुझे गुरु महाराज कहते थे कि सुबह शाम भगवान का भजन कर, संतोष वृत्ति का धारण कर, अधर्म की ओर गमन मत कर, पति को परम पूज्य मानकर सेवा कर। मैं वो काम करती चली आ रही हूं, विद्या कुछ नहीं सीखी। उसी का प्रभाव है ये कि मेरा बच्चा बच गया, मूसल रुक गया। ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे बहन, बोलो बिल्कुल करो। जरा पति से ज्यादा झगड़ा करती थी, बोले ऐसा ही करेंगे। पति से कहा कि हम तुमको यहीं स्नान कराएंगे आज, बोलो अच्छी बात है। वो कहने लगे कोई ग्रह बदल गए हैं, कोई अच्छे ग्रह आ गए, आज तो जीवन में पहली बार ऐसा कहा है। और धा धो करके जब कपड़े धोने लगे, बोलो कपड़े भी मैं ही धोऊंगी। अरे बोलो हे भगवान, क्या बृहस्पति जी महाराज पूर्ण केंद्र में आ गए थे क्या? गुरु महाराज केंद्र में आ गए, बहुत अच्छी बात। भोजन भी मैं बनाऊंगी, बनाइए और मैं हाथ से खिलाऊंगी, बड़ी भी कर लीजिए। ऐसा सेवा करती रही, पानी लेकर के आई कुएं से, पति देवता को बड़ी शांति मिल गई थी। पहले तो भयभीत रहता था ना, वो आकर के क्या क्या शब्द बोलेगी पता नहीं, कितने मंगला उच्चारण करेगी मुंह से, कितने मंगलाचरण शब्द बोलेगी, तू मर गया अभी जिंदा है, मरा क्यों नहीं, तुझे आग क्यों नहीं लग गई, वो शब्दों से उसको निश्चिंत होगा कि आप नहीं बोलेगी वो। अब वो मुंह से बोले तो नहीं, पति सो रहा था अपनी निद्रा के अंदर, क्यों सुख में निद्रा आती है, करती रहेगी मेरा उतार ले, छोटी छोटी कंकड़ी लीनी। अब वो तो गहरी नींद में एक बड़ा पत्थर उठा करके मार दिया सर पे, पति का सर फूट गया, सर फूट गया, खून निकलने लगे, पट्टी बंधने की नौबत आ गई, हॉस्पिटल चला गया। और फिर उसने उखल गया इस तरह करके बच्ची के मुंह जबरदस्ती सर दिला दिया, बच्चे का सर फूट गया। तुरंत लड़ी जा करके, बोलो मैंने तो पति की सेवा करी, बोलो सर किसने फोड़ा ये भी बता दे। अरे सर किसने फोड़ा, बोलो तो मैंने ही फोड़ा। कहने का मेरा भाव को समझिए, मेरे प्रेमी में बहुत ये दृष्टांत साधारण नहीं कह रहा हूं। हमारा मनुष्य का जीवन या जन्म या हमारी बुद्धि ऐसी हो गई है, जैसे कि हम भगवान की सेवा तो करते हैं पर केवल जब तक करते हैं जब तक हमारा स्वार्थ है, और स्वार्थ की पूर्ति हो जाने के बाद तू कहां रहता है मैं कहां रहता हूं कोई पता, और स्वार्थ में हम मर जाए जो कर ले। जाट बाबा खजूर पे चढ़ गए,
और ऊपर से देखा नीचे जमीन इतनी सी नजर आने लगी, उतरा नहीं गया, पैर काट गए। बोलमान जी बाबा हम आपके 500 ब्राह्मण जिमाएंगे, हम उतर जाए आधे पे आ गए तो जिमाएंगे, गारंटी है हमारी, और चौथाई पे चला गया तो बाबा 100 तो जरूर ईमानदार से जिमाऊंगा, गंगा की कसम खा ले 100 तो जिमाऊंगा। उसके बाद चाहे बोलो उसका तो मेरा पक्का संकल्प है, तो जाट का बच्चा हूँ संकल्प ले रहा हूँ, और कूद गया। जगते हनुमान जी तेरे बाप का है उसका मैं कूदा मैं। ऐसी हमारी प्रवृत्तियां बन गई हैं, वो भगवान कहां को होंगे हमसे। अरे सेवा हमने जब तक करी जब हमारी आवश्यकता रही, आवश्यकता के बाद मूर्ति पे एक एक किलो अर्घ चढ़ रही है, कभी हम लोग नहीं जानते। जब तीन तीन बार भोग लगाएंगे काम नहीं होगा, फिर उसके बाद में 6 महीने तक भोग की तरफ जाएंगे, क्या भगवान आपको प्रसन्न होगा, आपकी मानवता बनी रहेगी? बिल्कुल ना पर। और मेरे प्रेमियों मानने में पैसा खर्च नहीं हो रहा है। एक पत्नी अपने पति को मानती तो है, करती क्या है? एक साल पहले वो कुआं लड़की थी, खेलती कूदती थी, और साल में रिश्ता हो गया, शादी हो गया तो पत्नी बन गई। उसने रिश्ता माना ही तो थे, लड़की से पत्नी बन गई, क्या माना ही माना था और क्या बताइए, या कुछ और बात है? अरे मानने में रिश्ते बदल जाते हैं, मानने में कार्यक्रम बदल जाते हैं, मानने में सुख मिलने लग जाता है, मानने लग जाते हैं, पर मान ले, और नहीं मानता तो कलह होती है, अशांति होती है। आज से हम भगवान के प्रेम रूपी सगाई कर ले, आज से उसको अपना मान ले, सगाई मतलब है मानना, आज से ही आनंद शुरू हो जाएंगे। कौन कहता नहीं होता है आनंद? आनंद नहीं हो तो हम बैठे हमारे पास आ जाओ, पर मान ले। एक साधारण गांव में बच्चे की जब रिश्ता करने बाप जाता है तो अपनी पत्नी से बात करता है कि भाई हमने बेटी का रिश्ता गांव में अमुक लड़के से अच्छा लगा है, बात तो पक्की नहीं करी है पर हमने तय कर दिया है। लड़की जाएगी आनंद से हंसेगी, अपनी सहेलियों में जाएगी, जहां जहां जंगल से पंगल से उठाकर अपनी सहेलियों को इकट्ठा कर लेगी, बहन जी आज तुम्हारे आनंद हो गयो, आज तुम्हारे बड़ी खुशी हो गई, उल्के खुशी हो गई बहन जी सारे, हमारा बाप ला जी हमारी सगाई कराया आज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जब परमात्मा से प्रेम रूपी सगाई कर लोगे तो आज से ही आनंद हो जाओगे, आज से ही मजे हो जाएंगे और संज्ञा बदल जाएगी, निश्चित संज्ञा बदल जाएगी। और प्रेम की सगाई हो जाने के बाद में धीरे 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 रिश्ता बना लो, क्यों आत्मा का पति परमात्मा है उसका रिश्ता तो बनाना पड़ेगा, पर धीरे धीरे बना लो, जल्दी नहीं, पर सगाई तो आज से कर ही लो। तब से ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम भगवान के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति। बहन बेटियां खुर्रा तुर्रा करके मैं देखता हूं बर्तन फोड़ती हैं किचनों में, जब गुस्सा आया होता है पति की ओर, पति से तो कह नहीं सकती, और बर्तनों को घेड़ 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 इस तरह मारती हैं। अरे वो चाहे स्टील के बर्तन टूट जाते हैं, कई बार शीशे के बर्तन फूट जाते हैं, जब कहते हैं क्या बोलो मुझे ध्यान नहीं था गिर गया, अरे ध्यान तो था पर क्रोध आ रहा था, इस क्रोध की भाषा को बदल दो, प्यार की भाषा अपना लो, और प्यार की भाषा अपनाने के बाद में परमात्मा का वास आपके घर में होने लगेगा। प्रेम की सगाई कर लो, प्रेम की सगाई में आनंद हो जाएंगे, भगवान तुम्हारे घर आने लग जाएंगे, क्योंकि जब प्रेम की सगाई पक्की हो जाएगी, सगुन वगैरह हो जाएंगे, तो फिर लड़के का आना जाना हो जाता है, पहले तो आता नहीं है कुंवारेपन में तो, पर जब सगाई पक्की हो जाती है फिर लड़का तीज त्योहारों पर आना शुरू कर देता है। इसी तरह जब सगाई कर लेंगे तो हमारा पति देवता जो है भगवान जी आना जाना शुरू कर देंगे, कमती नहीं, कभी सपने में कभी कैसे कैसे। और जब शादी पक्की कर लेंगे, मान लिया अब तो तुझे हमने, तो फिर सचमुच ही आ जाएंगे, फिर तो मान लिया तो ठीक है। मान लेना ही धर्म है, मान लेना ही भक्ति है, मान लेना ही योग है। अब योग आंख बंद करके नहीं होता, गणित में देखिए योग नाम जोड़ का है, ऋण है घटा है जमा है, जमा नाम योग, आप गणित पढ़े लिखे हैं, योग नाम जोड़ता है। आत्मा से परमात्मा का मेल कर दो, सगाई कर दो, ब्याह कर लो आत्मा परमात्मा का, संबंध बना लो उनका आपस में, ये योग हो गया, और इस योग के द्वारा तुम योगी हो जाओगे, परम योगी हो जाओगे, और भगवान तुम्हारे आगे पीछे नाचने लगेंगे और तुम उनके लिए गुलचे मारोगे। अरे गोपिकाओं को देख लीजिए, झूठ बोल रहा हूं तो, चोर कहती थी, काला कहती थी, कलूटा कहती थी, और गुलचे भी मारती थी, गाल पकड़ पकड़ के फुला दिए, उनके मोटे मोटे कर दिए, जहां से पकड़ती खींच लेती,
और भगवान कुछ नहीं कहते, अरे अरे गोपी मेरे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, थोड़ा कम चौंट, चुटकी तो भरने पर कम भर, बोले क्यों भर लूं कम, तेरे बाप का है और एक अरबर लगा। भगवान ब्रह्म गोपिकाओं से गाल खिंचवा रहे हैं, विचार कीजिए। कहते घुंघरू बांध, बोलो बांध रहा हूं, बोलो नाच, बोलो नाच रहा हूं। जो तीनों लोकों का ब्रह्म कृष्णस्तु भगवान स्वयं और साधारण जीवों के सामने नृत्य कर रहा है, घुंघरू बांध रहा है, क्यों? कि उन्होंने प्रेम सगाई कर ली थी उनसे, उन्होंने अपना रिश्ता कायम कर लिया था उनसे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्यासु द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। उन्होंने स्वीकार कर लिया रिश्ते, इसलिए उनको नाचना पड़ा। आप हम भी वो अगर रिश्ता स्वीकार कर ले तो नाचेंगे, नहीं तो कम से कम दर्शन तो दे ही देंगे। अरे जब तोप का लाइसेंस जब अप्लाई करेंगे तो तोप के लिए नहीं तो गन तो मिल ही जाएगी, तो हम जब प्यार की सगाई करेंगे, अपना मान लेंगे तो नाचेंगे, नहीं तो आ तो जाएंगे, कभी कभी तो दर्शन दे ही देंगे, ऐसे निठुर तो नहीं है वो, पर मान लें। इस मान लेने के ऊपर मैं ऐसा कहा करता हूं, बीज गणित आप लोग सब पढ़े लिखे हो, मैं तो तीसरी फेल हूं, इसलिए मैं तो बीज गणित देखी नहीं होती क्या है, जिसके लिए आप लोग एलजेब्रा भी कहते हैं। एलजेब्रा के अंदर में उत्तर सपोज करने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आता। सपोज मान लिया एक्स, मान लिया वाई, मान लिया जेड, मान लिया ए, मान लिया बी, मान लिया सी, जब बिना माने हुए उत्तर नहीं आ सकता। आप लोगों में कोई ऐसा विद्वान है जो बीज गणित का बिना सपोज के उत्तर ला सकता है? हाथ खड़ा कर दे कि मैं हूं ऐसा। बिना सपोज के बीज गणित का जवाब आ सकता है क्या? हाथ खड़ा करने आता है तो नहीं कर रहे खड़ा। यानी सपोज के बिना बीज गणित का उत्तर नहीं आता। और बीज गणित क्या? बीज जो पृथ्वी की रचना का बीज है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बीज है, धर्म कर्म का बीज है, अनेकानेक प्राणियों का बीज तत्व है, वो बीज गणित, वो गणित को सीख लो, वो बीज गणित आएगी मानने पर। आप मान लो भगवान को अपना, कि निश्चित मैं भगवान की हूं, भगवान मेरे हैं, या भगवान मेरे मैं भगवान की, या भगवान के मैं हूं भगवान मेरे, ऐसे कैसे मान लो? पर मान लो, सपोज। अगर नहीं माना, ध्यान योग धारणा ब्रह्मोस्मी शिवोस्मी रुद्रोस्मी सोहंग आदि आदि में पड़े रहे, इसकी तरह टेढ़े रहे, एल की तरह टेढ़े बने रहे त्रिकोण में, तो मेरे प्रेमियों केवल जेबरा रह जाता है एल निकल जाने के बाद, अर्थात धारीदार गधा जो अमेरिका में पाया जाता है, चाहे प्लेन गधा, गधा गधे की तरह आप हम वजन ढोते ढोते मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और एल की और सपोज मान लेंगे तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे हम लोग, क्योंकि सपोज मान लो, परमात्मा को साकार स्वीकार कर लो, साकार सेवा को स्वीकार कर लो, आपका जीवन हमारा जीवन अनर्थ नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा, सार्थक होगा, और हमारे आनंद होने लग जाएंगे। कोई करके तो देखे। अरे हम तो करते हैं एरन की चोरी, करें करें सुई का दान, अरे ऊपर चढ़के में देखते कितनों आए हो विमान। एरन की चोरी अनेक अनेक, सुबह से शाम तक बुरे कर्म करते हैं, शाम को एक बाबा जी को एक नया निक्का पैसा दे दिया, दो रोटी दे दी, बोल जी हम तो दानी हैं, और फिर देख रहे विमान के दर चेहरा बिल्कुल नहीं आएगा। एरन की चोरी करें करें सुई का दान, ऊपर चढ़के में देखता किसू आवे विमान, किधर से नहीं आएगा विमान। अर्थात हम अशुभ कर्मों की संख्या को नित्य प्रति बढ़ाते चले जा रहे हैं और शुभ कर्मों को घटाते चले जा रहे हो। भगवान कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या जरूरत है? इसलिए मेरे प्रेमियों, मेरे बंधुओं, आप लोगों से मेरा हित करके कहना है, आत्मा से कहना है, पुकार कर कहना है कि कलयुग का धर्म उसको अपना लीजिए।